हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं टेक व्यूज। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, मेरे आगे एक स्कूटी खड़ी है। यह है एक्टिवा 125। तो आज मैं इस स्कूटी का आपको एक रिव्यू देने वाला हूँ कि ओवरऑल ये स्कूटी कैसी है, मतलब आपको अगर ये प्राइस वर्थी है या नहीं। ये स्कूटी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको बताऊँ कि आपके यूज़ के हिसाब से ये स्कूटी प्राइस वर्थी है या नहीं, या फिर आपको जो भी यूज़ है, जो मोटिव है, वो सॉल्व होता है या नहीं। ये मेरी भाई की स्कूटी है, काफ़ी कम चली है, पर इतनी तो चली है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि ये स्कूटी कैसी है। अब तक इसमें मेरे को क्या चीज़ उसको सही लगी ड्राइव करने में, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लगी जो दूसरी स्कूटीज में कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं ओवरऑल आपको इसको बाहर से दिखाऊँ तो काफ़ी अच्छा जो है लुक ये देती है। अगर हम देखें यहाँ पर जो क्रोम की बैजिंग दी गई है 3D प्रिंट में, ये काफ़ी अच्छी है। और जो ये प्लास्टिक का यहाँ पर ये जो साइलेंसर है, इसके ऊपर कवर दिया गया है, इससे ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। जब कोई कवर हो, अगर किसी का पैर गलती से लग जाए तो प्रोटेक्ट हो सकता है। यार तेरा चेतक पहचान ले तन चस्का रेड फरारी का, यार तेरा चेतक पहचान ले तन चस्का रेड फरारी का, यार तेरा चेतक पहचान ले तन चस्का रेड फरारी का। के फ्रंट्स पे देखें तो सबसे पहले हमारी नज़र आती है व्हील्स पे। तो अगर हम व्हील्स पे देखें तो यहाँ पे इसमें जो है अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि दूसरी जो स्कूटीज़ हैं जैसे एक्सेस 125 है, जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, उसमें ड्रम व्हील्स मिलते हैं, जबकि इसमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो इसका प्लस पॉइंट है। जो क्रोम प्लेटिंग का काम है, काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि क्रोम एक अच्छे से शाइन देता है, जिसकी वजह से एक अच्छा रहता है, एग्रेसिव लुक देता है। अगर हम इस स्कूटी में देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इसकी हेडलाइट है, ये यहाँ पे जो है LED दी गई है, जो कि ऑटो हेडलैम्प ऑन का फीचर है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जैसे कि ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये दोनों तरफ है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। जो ऑटो हेडलैम्प ऑन का जो फीचर था, वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, एक सेफ्टी वाइज काफ़ी अच्छा है। तो ये इसमें है, ये थोड़ा सा अपग्रेडेड मॉडल आया था, जब ये फीचर हमें ऐड करना था कंपनी को, तो उसने थोड़ा सा ये चेंज करके दिया था, जो काफ़ी अच्छा है। जो अब मॉडल आ रहा है, उसमें थोड़ा सा और चेंज किया गया, जो कि हेडलाइट, ये मेन हेडलाइट है, इसमें थोड़ा सा और चेंज किया गया। तो दोस्तों, अगर हम इसके हेडलैम्प को देखें तो हेडलैम्प काफ़ी अच्छा लुक के साथ है। जो प्रेजेंट मॉडल आ रहा है, उसमें थोड़ा सा और चेंज किया गया है, जो कि इसको और ज़्यादा एग्रेसिव लुक के साथ बनाया गया है, और उसमें LEDs का यूज़ किया गया, जो कि यहाँ पे यूज़ थी वो यहाँ पे भी यूज़ किया गया, जो कि वाइट लाइट है, तो वो भी एक अच्छा फीचर है। तो मेरे हिसाब से अगर जो नई स्कूटी जो अब प्रेजेंट मार्केट में अवेलेबल है, उसमें भी काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। अब बाकी बात करते हैं हम इसके हैंडल पर। तो अगर हम हैंडल पर सबसे पहले आते हैं, तो सबसे पहले हमारी जो नज़र जाती है वो है डिजिटल मीटर पर। तो डिजिटल मीटर मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि जो हम एग्जैक्ट पॉइंट में देख सकते हैं कि हमने कितने किलोमीटर चला ली है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं 43.4 किलोमीटर जो है चल चुकी है, और लगभग 1200 किलोमीटर ये मेरा भाई चला चुका है, तो इतना है कि हाँ उसको कमियां पता चल गई हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल जो इसके फीचर्स हैं, वो मेरे को काफ़ी अच्छे से पता चल गए। मेरे भाई ने मेरे को बताया कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं जो उसको अच्छे लगे थे। तो अगर हम उसमें सबसे पहला फ़ीचर देखते हैं, तो ये है कि यहाँ पर जो है आगे भी हम हैं हैंग कर सकते हैं, और प्लस ये है कि ये फोल्डेबल है, तो अगर हमें कोई बल्कि सामान रखना हो तो हम इसको फोल्ड कर सकते हैं। और जो ये लेग रूम है, काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा स्पेशस है। पहले की एक्टिवा में कंपैरेटिवली इतना स्पेस नहीं था जितना अब है, जो कि एक्टिवा नॉर्मल 4G और 5G में है, पर स्पेस काफ़ी अच्छा है। प्लस यहाँ पर जो हैंगिंग की स्पेस और है, ये फोल्डेबल नहीं है, जबकि एक्सेस में यहाँ पर फोल्डेबल दिया जाता है, तो ये थोड़ा सा चेंज है।
तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे जो इसका हुक दिया गया, जो हैंगिंग हुक दिया गया उसके बारे में बात करें तो ये मेटल का बनाया हुआ है, जबकि जैसा हुक यहाँ पे है वैसा हुक एक्सेस में यहाँ पे दिया गया और वो यहाँ पे फोल्डेबल होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड चेंज है जो कि मेरे को लगता है थोड़ा सा ऑड है। अगर यहाँ पे भी फोल्डेबल होता तो ज़्यादा बेस्ट होता। बाकी ओवरऑल तो सेम फीचर्स है दोनों में यहाँ पे, और इधर दोनों तरफ कुछ हैंग करने के लिए जगह दी गई है कि भाई कुछ छोटा मोटा सामान हम रख सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर इसकी सीट की कुशनिंग की बात करें तो कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, अगर लॉन्ग ड्राइव पे भी जाएं तो काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। और फिर अब इसके बूट स्पेस की बात करते हैं तो बूट स्पेस इसका एक्सेस 125 के जितना ही है, एक हेलमेट इजीली आ सकता है उससे, हालांकि थोड़ा सा कम मेरे को लगा पर्सनली, उसमें बड़े साइज़ का थोड़ा हेलमेट आ सकता है पर इसमें हेलमेट के साथ थोड़ी सी जगह बचती है। तो उसकी सीट जो देखें, अगर हम इसकी सीट जो है थोड़ी सी छोटी एक्सेस 125 के कंपैरेटिवली, उसमें सीट थोड़ी सी बड़ी है तो उसमें ऐसा लगता है कि तीन बंदे भी बैठे तो थोड़े से कंफर्टेबल होंगे कंपैरेटिवली इसके। पर हर स्कूटी का एक अपना डिज़ाइन होता है जिसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छी फीचर के साथ पैक होकर आती है। अगर हम एक्सेस 125 में देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग सा हैंडल बार होता है, जबकि इसमें थोड़ा सा अलग डिज़ाइन से बनाया गया है। अगर हम इस स्कूटी के टेल लैंप्स की बात करते हैं तो टेल लैंप्स काफ़ी अच्छा पार्ट है। तो दोस्तों अगर हम इसके टेल लैंप्स की बात करते हैं तो टेल लैंप्स काफ़ी अच्छा पार्ट है, क्योंकि टेल लैंप्स काफ़ी ब्रॉड है। हालांकि इसका जो टेल लैंप्स का जो डिज़ाइन दूसरी एक्टिवा की एक्टिवा 4G और 5G उसमें काफ़ी अच्छा है, पर इसका भी डिज़ाइन इसके लुक के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों अगर हम इस स्कूटी के इंजन की बात करें तो इस पर 125cc का इंजन है जो कि 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन है। ये इंजन 8.6 PS की पावर देता है और लगभग 10.12 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 6500 RPM पे। तो ये काफ़ी अच्छा इंजन है, काफ़ी पावरफुल है। अगर हम इंजन में इसकी स्पीड की बात करें तो 90 से 95 तक टॉप स्पीड इजीली गेन कर सकती है स्कूटी। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से स्कूटी काफ़ी अच्छी फीचर्स के साथ आती है, जो इसके ओवरऑल फीचर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं प्राइस के हिसाब से। दोस्तों अगर हम इस स्कूटी के प्राइस की बात करते हैं तो ये जो वर्जन है, जो वेरिएंट है, वो विदाउट डिस्क ब्रेक आता है, तो इसका जो प्राइस है वो 65,000 ऑन रोड है, और एसेसरीज़ के साथ ले तो लगभग 68 से 69,000 कम्प्लीट एसेसरीज़ के साथ इसका प्राइस पड़ता है। उस समय था जब ये स्कूटी ली थी, यानी आज से 6-7 मंथ पहले। अब जो नया वेरिएंट आया है उसमें थोड़ा सा अलग है प्राइस। बाकी ओवरऑल इसके जो फीचर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। अगर इसमें थोड़ी सी बड़ी सीट होती जितनी दूसरी किसी इंजन के साथ जो दूसरी स्कूटी आती है उसके हिसाब से होती, तो थोड़ा सा अच्छा फीचर होता जो। दोस्तों अगर हम इसके ओवरऑल फीचर्स और इसके प्राइस वर्थी की बात करें तो मेरे हिसाब से काफ़ी प्राइस वर्थी है। 125cc का हमें इंजन मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छी पावर भी देता है, तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी स्कूटर रहेगा अगर आप इसको लेंगे। और आपका अगर यूज़ ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो आपको थोड़ा बहुत सामान नहीं लेके जाना तो उसके हिसाब से काफ़ी सही है। वो कोई भी व्हीकल बाय करना हो तो सबसे पहले आपको अपना यूज़ देखना चाहिए कि आपका यूज़ क्या है, आपको किस पर्पस के लिए चाहिए। अगर आपको पर्पस किसी एक टाइप के स्कूटी में या स्कूटर में आपका सॉल्व होता है तो आपको वही सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर आपको डिस्क ब्रेक वगैरह चाहिए तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। मेरे भाई को इसमें डिस्क ब्रेक वाला मॉडल नहीं चाहिए था तो उसने विदाउट डिस्क ब्रेक वाला मॉडल लिया। हालांकि ये इसमें भी काफ़ी अच्छी ब्रेक सिस्टम है जो कि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ आता है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा फीचर्स के साथ ये स्कूटर आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।